नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं TTN न्यूज 24। अलीगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ 2 युवकों ने रेप का प्रयास किया। बच्चे की चीख पुकार की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बचाया। दौड़ते हुए आरोपी CCTV कैमरे में कैद हुए। बैला फुसलाकर बच्ची को ले आए थे खंडर मकान में। आरोपी मौके से फरार है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर BJP कार्यकर्ता थाने पहुंचे, अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली गेट थाना इलाके का ये पूरा मामला है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। आज शहर के एक इलाके से 2 लोग 7 साल के बच्चे को बहला फुसला कर दिल्ली गेट थाना इलाके के एक खंडर भवन में ले आए थे, जहां बच्चे के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। जैसे ही बच्ची चीखी चिल्लाई तो पड़ोस में महेंद्र चोले वाले निकल कर दौड़े। स्थानीय लोगों को देखते हुए आरोपी बेटी को छोड़कर फरार हो गए, और वो बच्ची नहीं चिल्लाती तो शायद बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती। ऐसे अपराधियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं करते हैं। अभी ये पता नहीं है कि कौन थे आरोपी। आरोपी CCTV कैमरे में आ चुके हैं, कैमरे की तस्वीर पुलिस को मिल गई है। देखिए, ये कितना बड़ा हादसा होने से टला है। आज जयगंज मंगलेश्वर वाली गली में एक छोटी सी बिटिया 7 साल की रहती है, और वो बिटिया को 2 लोग बेला फुसला करके गुड़ियाबाग में हमारा ही भतीजा है महेंद्र छोले वाले, उनकी गली में एक खंडर मकान में ले गया, जहाँ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। वो लड़की जोर से जब चीखी चिल्लाई तब उसकी आवाज़ को सुन के पड़ोस में से महेंद्र छोले वाले निकल करके आए, बोले कौन है कौन है कौन है, ये करके जब वो चीखे चिल्लाए तो अपराधी उस बिटिया को छोड़ करके भाग गई। अगर समय पर वो लड़की नहीं चीखती चिल्लाती तो शायद उस लड़की की साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती। ये बहुत ऐसे अपराधियों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना क्रम करने का अपराध करते हैं। बच्ची को कहाँ से ले गए थे? जयगंज मंगलेश्वर वाली गली से। कौन लोग थे अभी पता नहीं है। फुटेज कैमरे में आ चुकी है और वो तस्वीर निकल चुकी है, और वो तस्वीर अति शीघ्र पुलिस प्रशासन यहाँ से चल चुके हैं और अपराधी की तलाश में जा चुके हैं। अच्छा, बच्ची गायब कब से थी? बच्ची गायब कब से थी? वो 6:30 बजे से 6:30 बजे से।